अभ्यास करेंगे अपनी वाणी को अच्छा बनाने के लिए। वाणी के लिए कहा जाता है सरस्वती माँ निवास करती है जो अपनी वाणी का सदुपयोग करता है, जो सच बोलता है हमेशा, झूठ नहीं बोलता है, तो उसकी वाणी में सरस्वती माँ का निवास होता है। तो इसीलिए हमें अपनी वाणी से कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है, हमेशा प्रशंसा कीजिए। जिसकी भी प्रशंसा करेंगे तो उससे हमारी वाणी भी अच्छी होगी, हमारा मन भी अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, कोई हमसे कोई बैर रखता है तो हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं, उसकी चुगलियां करते हैं दिन भर, तो चुगलियां करने से हमारी वाणी में ह्रास आता है और वाणी की जो पावर होती है वो कम होती जाती है चुगलियां करने से, झूठ बोलने से, और वाणी की ताकत बढ़ती है सच्चाई बोलने से, अच्छा बोलने से। तो इसीलिए अभ्यास करना है अपनी वाणी का भी, हमें अपनी वाणी भी अच्छी बनानी, हर चीज एक अभ्यास हमारे को अच्छा बनाना है। परम सरदे स्वामी जी हमेशा उदाहरण देते हैं, बार बार उस चीज पर जोर देते हैं कि हमारे को अच्छे अभ्यासों का अभ्यास करना चाहिए, हमेशा यही ध्यान रखना है जो अच्छाई है उसको करना है और जो बुराई है उसे कभी नहीं करना है। तो इसीलिए वाणी का भी हमेशा सदुपयोग करना है। यद वदामि मधुमम तद वदामि, जब भी हम बोले मीठा बोले, अच्छा बोले, सुंदर बोले, तो उससे हमारी वाणी मधुर होगी और पवित्रता आती जाएगी, शुद्ध आती जाएगी, हमारी वाणी में मधुरता जितनी होगी और उतनी ही मिठास भरती चली जाएगी हमारी वाणी में। संस्कृत भाषा के लिए कहा जाता है जो अभ्यास करता है संस्कृत का, संस्कृत में उच्चारण करता है, तो उससे हमारी वाणी में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। और कहा जाता है कि जो संस्कृत बोलता है वो सभी भाषाओं को बोल सकता है, इतनी हमारी इफेक्टिव ये भाषा है संस्कृत भाषा। तो इसका प्रयोग करके हम अपनी वाणी को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और जो संगीत का अभ्यास करते हैं उनकी वाणी में मधुरता होनी ही चाहिए, तो वो अभ्यास करते हैं सारे गामा पा धा नि सा, तो इसका अभ्यास करने से हमारी वाणी में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। तो सुबह शाम सारे गामा पा धा नि सा सा नि धा गामा पा रे सा, तो इसका अभ्यास करने से भी हमारी वाणी अच्छी होती है, मधुर होती है। तो ये अभ्यास हमने किए अपनी वाणी को अच्छा बनाने के लिए, तो ये आप अभ्यास रोज करेंगे तो आपकी वाणी मधुर होगी, पवित्र होगी।